हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको धरती पर मौजूद 10 ऐसी रहस्यमय जगहों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको हैरान करके रख देंगी। और आपने इससे पहले इन रहस्यमय जगहों के बारे में नहीं सुना होगा, इसलिए दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह यानी नंबर 1 जगह के बारे में जानकर चौंकने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 10, नाजका लाइंस, पेरू। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में मौजूद ये जगह बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है, जिसने आज तक वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को परेशान करके रखा है। दरअसल पेरू के नाजका रेगिस्तान में स्थित एक पहाड़ी पर रेखाओं से लगभग 300 आकृतियां बनी हुई हैं, जो लगभग 120 फीट तक लंबी हैं और लगभग 400 से 1100 मीटर के एरिया में फैली हैं। इन आकृतियों में चींटी, बिल्ली और पक्षी जैसे कई जानवर और इंसान की शक्ल वाला जानवर भी शामिल है। साथ ही दोस्तों, ये नाजका लाइंस लगभग 2200 साल पुरानी है और आज भी वैसी की वैसी ही है। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि ये सिर्फ आसमान से ही दिखाई पड़ती हैं। वैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन आकृतियों को एलियंस ने बनाया है, वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नाजका सभ्यता के लोगों ने सिंचाई के लिए इन रेखाओं को बनाया था, पर आज तक इन रेखाओं के पीछे की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। नंबर 9, होयबासु फॉरेस्ट, रोमानिया। दोस्तों, वैसे तो कोई भी जंगल जिसमें अंधेरा और कोहरा छाया हो वो किसी को भी डराकर भगाने के लिए काफी होता है, मगर क्या आपने रोमानिया के होयबासु जंगल के बारे में सुना है, जिसे एक रहस्यमय और बेहद डरावने वाले जंगलों में से एक माना जाता है। इस जंगल के लगभग सभी पेड़ अजीब ढंग से मुड़े हुए हैं, साथ ही इस जंगल में एलियंस के होने की भी बात कही जाती है। और तो और, इस जंगल में गए कई लोगों के गायब हो जाने की वजह से इसे रोमानिया का बर्मुडा ट्रायंगल भी कहते हैं। दोस्तों, 700 एकड़ में फैले इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा बड़ा एरिया है जहां घास का एक पौधा भी नहीं उगता, पर किसी को ये नहीं पता कि क्यों जंगल का ये एक हिस्सा खाली पड़ा है। इसके अलावा इस जंगल में गए कई लोग बताते हैं कि उन्होंने जंगल में अजीब सी बेचैनी महसूस की है और जंगल के बाहर आते ही उनके शरीर पर स्क्रेचेस पड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे खतरनाक जंगल में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 8, क्रॉप सर्कल्स। दोस्तों, फसलों और घास के मैदानों के बीचों बीच बनी ये इतनी बड़ी आकृतियां कोई आम डिजाइन मात्र नहीं है, बल्कि इनमें भी एक अनसुलझा रहस्य छिपा है। दरअसल इन आकृतियों को दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में देखा गया है, जो रातों रात बन जाती हैं और अगले दिन लोग अपने खेत में इन आकृतियों को देख सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी आकृतियों को रातों रात बनाया किसने। क्योंकि दोस्तों, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि धरती पर कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसका शेप इतना बड़ा हो और जिसका डिजाइन इस तरह का हो। इसलिए अंत में लोगों का यही कहना है कि ये आकृतियां एलियंस के यूएफओ के निशान हैं। नंबर 7, रिचर्ड स्ट्रक्चर्स, मॉरिटेनिया। दोस्तों, रिचर्ड स्ट्रक्चर्स धरती का एक बहुत ही खूबसूरत लैंडमार्क है, जिसे सहारा की आंख या अफ्रीका की नीली आंख भी कहा जाता है, क्योंकि ये लैंडमार्क अफ्रीका के मॉरिटेनिया देश में फैले सहारा रेगिस्तान में है, जो कि रेगिस्तान के लगभग बीचों बीच में है। इसका डायमीटर लगभग 45 किलोमीटर है और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये लैंडमार्क इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लैंडमार्क किसी उल्कापिंड के गिरने की वजह से बना है, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये काम उल्कापिंड का नहीं बल्कि एलियंस का है। लेकिन लगभग 10 करोड़ साल पुराना होने के कारण कोई भी सटीक और साफ तौर पर ये नहीं बता पा रहा कि आखिर ये लैंडमार्क बना तो बना कैसे। नंबर 6, फेरी सर्कल्स, नामीबिया। दोस्तों, हमारी अगली रहस्यमय जगह अफ्रीका के नामीबिया देश में है। दरअसल ये नामीबिया के घास के मैदानों में पाए जाने वाले फेरी सर्कल्स यानी गोले हैं, जो कि लगभग हजारों किलोमीटर में फैले हैं। ये सभी गोले एक ही साइज के हैं और एक निश्चित दूरी पर बने हैं, पर क्यों, इस सवाल का एकदम सही जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि इसमें एलियंस का हाथ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी अलग तरह के कीड़े का काम है। वैसे दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों ने अपने शोध के आधार पर बताया है कि नामीबिया के इन मैदानों में ऐसे घास उगते हैं जो सूखने पर एक तरह का जहर छोड़ते हैं, जो मिट्टी में मिलकर इन फेरी सर्कल्स का निर्माण कर देता है। पर आज भी कई लोग ये मानते हैं कि इस जगह पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। नंबर 5,
डेविल्स ब्रिज जर्मनी। दोस्तों जर्मनी के क्रुमलाओ पार्क में स्थित ये पुल खूबसूरत होने के साथ साथ काफी रहस्यमय और डरावना भी है। इस पुल को डेविल्स ब्रिज यानी शैतानी पुल के नाम से भी जाना जाता है। जब इस पुल के नीचे का पानी शांत रहता है तो पुल और पानी मिलकर एक खूबसूरत गोलाकार आकृति का निर्माण करते हैं जो दूर से देखने पर काफी अद्भुत लगता है। पर दोस्तों इस पुल से जुड़ी कुछ भूतिया कहानियां भी प्रचलित हैं, जैसे कि इस पुल के इंजीनियर ने शैतान की मदद से ये पुल बनवाया था और शैतान ने ये शर्त रखी थी कि वो पुल बनाने के बदले में उस पुल से गुजरने वाले सबसे पहले शख्स की रूह ले लेगा। और ऐसा कहते हैं कि बाद में उस इंजीनियर ने चालाकी दिखाने की कोशिश की और सबसे पहले एक कुत्ते को भेजना चाहा, मगर उसका प्लान फेल हो गया और उसे खुद उस पुल से सबसे पहले गुजरना पड़ा और शैतान ने उसकी रूह ले ली। पर दोस्तों ये सब तो बस कहानियां हैं, असलियत तो किसी को नहीं पता। साथ ही पब्लिक का इस पुल के आसपास जाना भी मना है। नंबर 4, मोराकिली बोल्डर्स न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के ओटागो तट पर कोहे कोहे नामक एक बीच है जिस पर बड़ी संख्या में बड़े बड़े गोल पत्थर देखने को मिलते हैं। देखने में ये पत्थर किसी सीप या मोती की तरह लगते हैं और इसकी इसी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर से लोग इस बीच पर घूमने आते हैं। दोस्तों इन पत्थरों में से कुछ पत्थर पूरी तरह से बालू के ऊपर हैं तो कुछ आधे धसे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियंस के अंडे हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन पत्थरों का निर्माण करोड़ों साल से किसी जीवाश्म के ऊपर समंदर के रेत जमने से हुआ है, मगर लगभग 12 फीट बड़े इन पत्थरों का सिर्फ इसी बीच पर इतनी बड़ी संख्या में पाया जाना किसी रहस्य से कम नहीं है। नंबर 3, यूलुरू ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद यूलुरू नाम का ये चट्टान ऑस्ट्रेलिया के मशहूर पर्यटक स्थलों में से एक है और ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय लोगों में इस चट्टान को लेकर काफी सारी मान्यताएं हैं। साथ ही इस चट्टान से कई लोगों की श्रद्धा भी जुड़ी है। इसके अलावा ये चट्टान बदलते मौसम के साथ साथ अपना रंग भी बदल देता है। दोस्तों इस चट्टान के ओरिजिन को लेकर कई थ्योरीज दी गई हैं। जैसे कुछ लीजेंड्स का मानना है कि ये चट्टान लगभग 50 करोड़ साल पुराना है और इसका निर्माण तब हुआ था जब कुछ कबीले अपने में मार काट कर रहे थे और उन्होंने खून की इतनी नदियां बहा दी कि प्रकृति भी दुखी हो गई और उसने अपना दुख दिखाने के लिए इस चट्टान का निर्माण कर दिया। पर आज भी इसकी उत्पत्ति और इसके बदलते रंग के पीछे का कारण एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, टियोटिहुआकन मेक्सिको। दोस्तों ये जगह कब बना, कैसे बना और किसने बनवाया ये तो मैं नहीं जानता, पर इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इस जगह को टियोटिहुआकन शहर के नाम से जाना जाता है जो कि मेक्सिको में है। ये शहर पिरामिड्स का एक खंडहर है जिससे जुड़े रहस्य को अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है। प्लेस ऑफ गॉड के नाम से मशहूर इस शहर की खोज 14वीं सदी में एजटेक्स साम्राज्य के लोगों ने की थी और उन्होंने ही इसका ये नाम रखा था। दोस्तों इस शहर की खोज करने वाले एजटेक्स साम्राज्य को भी ये नहीं पता था कि इन जगहों को किसने कब और क्यों बनवाया और यहाँ कौन कौन लोग रहते थे। वैसे इस जगह का एरिया देखकर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस रहस्यमय शहर की आबादी लगभग 25,000 रही होगी। साथ ही इस शहर की एक और रहस्यमय बात ये है कि इस शहर में बने एक पिरामिड के अंदर कई इंसानों की हड्डियाँ भी मिली हैं। नंबर 1, रॉक ह्यूवन चर्चेस इथियोपिया। दोस्तों दुनिया में कई ऐसी अद्भुत जगहें और इमारतें हैं जो सदियों पुरानी हैं और उनमें एक बात कॉमन होती है, वो ये कि उनमें कुछ न कुछ रहस्य जरूर छुपा रहता है। इथियोपिया में मौजूद ये चर्चेस भी ऐसी ही एक रहस्यमय इमारत है। 800 साल पुराने इन चर्चेस के बनने के पीछे जो कहानियां प्रचलित हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये कुल 11 चर्चेस हैं जिन्हें एक चट्टान को काटकर बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। इन चर्चेस को 12वीं और 13वीं सदी के लाली बेला नामक एक राजा ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि वो इसे अफ्रीका का जेरूसलम बनाना चाहते थे। आपको बता दूं कि जेरूसलम ईसाई धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे ईसा मसीह की कर्म भूमि भी कहा जाता है। कहानियों के मुताबिक इस चर्च को स्वर्ग से आए फरिश्तों ने बनाया है, पर इस कहानी के पीछे कितनी सच्चाई है इसका पता आज भी वैज्ञानिक लगा रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी रहस्यमय जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।